हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है आज़म और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टारगेट नीट। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस वीडियो सेगमेंट में हम एनसीईआरटी बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट का क्विक रिवीजन करते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फ्रेंड्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन, इसका हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, चलते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि जो बायोटेक्नोलॉजी होती है डील करती है इंडस्ट्रियल स्केल और प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स में, जैसे फंजाई, प्लांट्स और एनिमल का। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या क्या आते हैं, जैसे थेरेप्यूटिक्स, डायग्नोस्टिक्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, प्रोसेस फूड, बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन में कहाँ पर उनका यूज़ किया जा सके। ठीक है, कह रहा है थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी की। मेनली जो है पहला जो है प्रोवाइड द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव ऑर्गेनिज्म, यूजली ए माइक्रोब या प्योर एंजाइम के लिए। ठीक है, कैटलिस्ट के फॉर्म में प्रोवाइड किया जाए जो इम्प्रूव किया जा सके ऑर्गेनिज्म जो भी, या प्योर एंजाइम के फॉर्म में यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट कह रहा है क्रिएटिंग अ ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर ए कैटलिस्ट टू एक्ट एंड। ठीक, तीसरा पॉइंट था डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरीफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसका प्रोडक्शन हम कर रहे हैं उसको प्यूरीफाई करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर में इसके क्या यूज थे। ठीक है, फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत सारे स्टेप प्रोवाइड किए गए, या जैसे कि पहला जो है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किया जाए। ठीक, दूसरा था ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाए, और जो तीसरा था जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ट एग्रीकल्चर किया जाए। ठीक है, जैसा कि आज हम जानते हैं कि एग्रोकेमिकल्स अगर हम यूज़ करते हैं एक्सपेंसिव होते हैं। ठीक है, और वो पॉल्यूशन भी कॉज करते हैं एनवायरमेंट में, हार्मफुल भी होते हैं सॉइल के लिए भी और अदर एनिमल के लिए भी। ठीक है, इसीलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का एक सोल्यूशन लाया गया कि यही अगर क्रॉप को ही मॉडिफाई कर दिया उनके जेनेटिक में ही कुछ करके, तो हमें केमिकल्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या फर्टिलाइजर जो भी यूज़ किए जाते हैं जो हार्मफुल होते हैं। ठीक है, कह रहा प्लांट, बैक्टीरिया, फंजाई और एनिमल जो है इनको मैनिपुलेशन किया गया और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के तौर पर इनको यूज़ किया गया। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट थे मॉडिफिकेशन के, मेड क्रॉप मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेसेस। ठीक है, एबायोटिक स्ट्रेस जैसे हो गए उनको प्लांट को टॉलरेंट बनाना, जैसे कोल्ड, ड्रॉट, साल्ट, हीट, बहुत ठंडी पड़ रही है, सूखा पड़ गया है, बहुत गर्मी, हीट से या साल्ट से बचाने के लिए। ठीक है, रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल पेस्टिसाइड का जो यूज़ किया जाए इनको कम किया जाए, पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप बनाया जाए। ठीक, हेल्प रिड्यूस टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, मतलब हार्वेस्टिंग के बाद के जो लॉसेस थे इसको कम किया जाए। चौथा पॉइंट कह रहा था इंक्रीज इफिशियंसी फॉर ऑफ मिनरल यूजेस बाय प्लांट। ठीक है, दिस प्रिवेंट अर्ली एग्जॉशन ऑफ फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ठीक है, अगला पॉइंट था इन्हांस न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, और जो फूड थी उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ाया जाए, जैसे गोल्डन राइस जो थी, विटामिन ए इन दिस डाइट। ठीक, इन एडिशन टू दीज यूजेस जेनेटिकली मॉडिफाई यूज किया जाता है, जो क्रिएट किया जाता है टेलर मेड प्लांट टू सप्लाई अल्टरनेटिव रिसोर्स टू इंडस्ट्री इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फ्यूल और फार्मास्यूटिकल, रेडीमेड फॉर्म को प्रोवाइड करना है इंडस्ट्री से। ठीक है, अगला कह रहा कुछ एप्लीकेशन बायोटेक्नोलॉजी के यूज किए गए एग्रीकल्चर में, उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट, ठीक, जिससे डिक्रीज हुआ पेस्टिसाइड का यूज, बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस किया जाता है बैक्टीरियम के द्वारा, बैसिलस थुरिंजिनेसिस कहा जाता है, बीटी टॉक्सिन जीन जो होता है क्लोन किया जाता है बैक्टीरिया से और फिर एक्सप्रेस किया जाता है प्लांट में, प्रोवाइड करता है रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड के बगैर ही। ठीक है, आगे चलते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं इसके, जैसे बीटी कॉटन हो गया, कॉर्न, राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन एक्सेट्रा। ठीक है, बीटी कॉटन के बारे में डिटेल में पढ़ना है। कह रहा है बैसिलस थुरिंजिनेसिस जो होता है प्रोड्यूस करते हैं प्रोटीन जो किल करते हैं इंसेक्ट को, जैसे लेप्टोप्टेरेंस में हो गए, टोबैको, बड वॉर्म, आर्मी वॉर्म,
कोलियोप्टेरेंस को किल करते हैं जिसमें बीटल्स आते हैं। डायप्टेरस में फ्लाइज और मॉस्किटोस हैं। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो बैसिलस थुरिंजिनेसिस होता है ये फॉर्म करता है प्रोटीन क्रिस्टल का अपनी लाइफ के पर्टिकुलर फेज में। ठीक, इस क्रिस्टल में टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन होता है। ठीक है, कहता है कि ये जो टॉक्सिन होता है बैसिलस को क्यों नहीं किल करता, तो इसका रीज़न ये है कि ये जो प्रोटीन होता है इनएक्टिव प्रोटॉक्सिन के फॉर्म में होता है। ठीक, और जब कोई इंसेक्ट इसे इंजेस्ट कर लेता है, जब इसको खा लेता है, तो इनएक्टिव फॉर्म में जो होता है ये कन्वर्ट हो जाता है उनके गट के एल्कलाइन पीएच की वजह से एक्टिव फॉर्म में। ठीक, और जो इसका क्रिस्टल होता है सॉल्युबलाइज हो जाता है, एक्टिवेटेड जो टॉक्सिन होता है बाइंड करता है उनके इपिथिलियल सेल के मिडगट से। ठीक, जिसमें वो काज करता है पोर्स और स्वेलिंग हो जाती है, उसके बाद उनकी स्वेलिंग और लिसिस हो जाती है और एटलीस्ट वो मर जाते हैं। ठीक ठीक, कह रहा है बीटी टॉक्सिन जो होता है इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होता है, इसका जीन जो होता है क्राई फर्स्ट एसी, जिसे नाम दिया गया क्राई के नाम से। ठीक, एग्जाम्पल दे रहा है कि द प्रोटीन इनकोडेड बाई जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड सेकेंड ए बी, जो कंट्रोल करते हैं कॉटन वॉल वर्म को, और जो क्राई फर्स्ट ए बी होता है कंट्रोल करता है कॉर बोरर को। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन अक्सर आता है। आगे चलते हैं, पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट के बारे में कह रहा है। सेवरल निमेथ्रोड जो होते हैं, मिलोडोगाइन इंकुग्निशिया जो है इन्फेक्ट करता है रूट ऑफ टोबैको प्लांट को। ठीक, एंड काज ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड में, बहुत नुकसान होता है। ठीक, तो इसकी एक स्ट्रेटेजी अपनाई गई जिससे इस लॉस से बचा जा सके, इसको कहा गया आरएनए इंटरफेरेंस या आरएनए इन आई के नाम से इसे जाना गया। ठीक, आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है ये सारे यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म में एक सिल्वर डिफेंस का मेथड है। ठीक, इस मेथड में क्या करते हैं, स्पेसिफिक एमआरएनए जो होता है उसकी साइलेंसिंग करते हैं ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए के द्वारा। ठीक, ये जो होता है कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जो होता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए का बाइंड करता है और प्रिवेंट करता है ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए को, जिससे साइलेंसिंग होती है। कह रहा है द सोर्स ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए कुड बी फ्रॉम एन इन्फेक्शन बाई वायरसेस हैविंग आरएनए जीनोम और मोबाइल जेनेटिक एलिमेंट, जिसे ट्रांसपोसोन्स कहा गया, जो रिप्लिकेट करते हैं आरएनए बाय एन आरएनए इंटरमीडिएट के द्वारा। ठीक, कह रहा है अगर यूज किया जाता है एग्रो बैक्टीरियम वेक्टर को, निमेटोड स्पेसिफिक जीन होता है इंट्रोड्यूस किया गया हाउस प्लांट में। कह रहा है द इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए वाज सच दैट इट प्रोड्यूसेड बोथ सेंस एंड एंटी सेंस आरएनए, हाउस में प्रोड्यूस करता है डीएनए से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, तो दोनों तरह के सेंस और एंटी सेंस आरएनए दोनों प्रोड्यूस होते हैं। ये जो दो आरएनए होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, एक दूसरे के और फॉर्मेशन करते हैं डबल स्टैंडर्ड आरएनए का, जो इनिशिएट करता है आरएनए इंटरफेरेंस और स्पेसिफिक एमआरएनए की साइलेंसिंग होती है। ठीक है, कह रहा था कॉन्सिक्वेंस वाज दैट द पैराजाइट कुड नॉट सर्वाइव इन ए ट्रांसजेनिक होस्ट एक्सप्रेसिंग स्पेसिफिक इंटरफेरिंग आरएनए, ट्रांसजेनिक प्लांट देयर फॉर गेट इट सेल्फ प्रोटेक्टेड फ्रॉम द पैरासाइट, और इस तरह वो प्रोटेक्ट किया जा सकता है पैराजाइट। बायोटेक्नोलॉजी इन मेडिसिन में पढ़ना है, कह रहा है एट प्रेजेंट टाइम में 30 पर रिकॉम्बिनेंट थेरापेटिक हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड वाइड, ऐसे बनाई गई हैं जो जेनेटिकली मॉडिफाइड थेरापेटिक्स जिनका वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है 30, और इंडिया में जो है मार्केटिंग की जाती है इनमें से 12 की। ठीक है, आगे चलते हैं, कह रहे जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन, डायबिटिक पर्सन जो होते हैं उन्हें पीरियोडिक समय समय पे इंसुलिन की जरूरत होती है। ठीक है, बट जो कॉस्ट या प्रोडक्शन इंसुलिन की बहुत कम होती है ह्यूमंस में। ठीक है, तो अगर इसके ईज के लिए अगर कहा गया कि कोई बैक्टीरिया ऐसा हो या कोई वायरस ऐसा हो जो प्रोडक्शन करने लगे इसका, तो सब कुछ कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने उसी को आर्टिफिशियली क्रिएट किया इंसुलिन को, उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पढ़ते हैं। कह रहे हैं इंसुलिन जो होता है फॉर डायबिटीज पहले एक्सट्रैक्ट किया जाता था पैंक्रियाज ऑफ स्लॉटर और कैटल सब पिक के द्वारा, जो मरे हुए जानवरों होते हैं उनके पैंक्रियाज से। ठीक, बट इनके साथ दिक्कत ये था कि जो एनिमल्स के से कुछ पेशेंट में एलर्जी काज करते थे। ठीक है, जो इंसुलिन होता है इसमें दो चेन होती हैं पॉलीपेप्टाइड की,
ए और बी जैसा कि फिगर में शो कर रहा है, ठीक है। और ये जो लिंक होती हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा। मैमस में क्या होता है, जो ह्यूमन इंसुलिन होता है सिंथेसाइज होता है जो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में जैसे होता है, मैच्योर नहीं होता है, ठीक। कह रहा है जो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है जिसमें एक एक्स्ट्रा स्टेच या एक्स्ट्रा चेन पाया जाता है जिसे सी पेप्टाइड कहा जाता है। सी पेप्टाइड जो होता है ये मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाया जाता है। और यही टेक्नोलॉजी यहीं पे मेन काम यहीं पे होता है कि कैसे मैच्योर फॉर्म में उसे चेंज किया जाए और सी पेप्टाइड को रिमूव किया जाता है आरडीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, मैच्योर फॉर्म में उसे चेंज किया जाता है। और इसका प्रोडक्शन किया था सबसे पहले 1983 में इली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी जिन्होंने इंसुलिन को बनाया था और इंट्रोड्यूस किया था प्लास्मिड ऑफ एस्केरिचिया कोलाई में, जिन्होंने जहाँ से प्रोड्यूस हुआ था इंसुलिन, ठीक है। आगे चलते हैं, जीन थेरेपी के बारे में पढ़ना है, ठीक। कहता है कि कुछ डिजीज जो होती हैं हेरिडिटरी होती हैं या अनुवांशिक होती हैं, जिनका ट्रीटमेंट जो होता है जीन थेरेपी के द्वारा ही हो सकता है, जिसे डायग्नोस किया जा सके डिफेक्टेड जीन को और उनका ट्रीटमेंट किया जा सके। आगे कहते हैं, ठीक है, पहला जो फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी आया था 1990 में, एक 4-year-old गर्ल थी विथ एडीनोसिन डीएमिनेज डिफिशियंसी, ADA का फुल फॉर्म एग्जाम में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। जीन थेरेपी अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाए, कह रहा है ADA क्या होता है, इसका ये एंजाइम होता है जो इम्यून सिस्टम के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रूशियल होता है, और ये डिसऑर्डर होता है ड्यू टू डिलेशन ऑफ द जीन फॉर एडीनोसिन डीएमिनेज का, अगर डिलेशन हो जाता है उसकी वजह से डिजॉर्डर। कह रहा है इन सम चिल्ड्रन ADA डिफिशियंसी कैन बी क्योर बाई बोन मैरो ट्रांसप्लांट, बोन मैरो ट्रांसप्लांट से भी CFI कर जाता है, और कुछ में ये एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से होता है, ठीक है। लेकिन कह रहा है इसमें होता क्या है कि फंक्शनल ADA को इंजेक्शन के द्वारा पेशेंट को दिया जाता है। इन दोनों के साथ जीन थेरेपी, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी और बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन के साथ दिक्कत एक ये आता है कि ये कम्प्लीटली पूरी तरह से इससे नहीं सही होता। तो इस तरह हम स्टेप एक आगे आते हैं और जीन थेरेपी को ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट जो होता है ब्लड ऑफ पेशेंट के ग्रो किया जाता है कल्चर मीडियम में बॉडी के बाहर, ठीक। और एक फंक्शनल ADA एडिनोसिन डीएमिनेज या CDNA जिसे कहा जाता है, CDNA को इंट्रोड्यूस किया जाता है इसके लिम्फोसाइट में और वो फिर पेशेंट में रिटर्न इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक। इसका दिक्कत इसमें भी होता है कि जो सेल होती हैं लिम्फोसाइट इमॉर्टल तो है नहीं, समय के साथ ही इनकी डेथ हो जाती है, मर जाती हैं, तो पीरियोडिक समय समय पे ऐसा पेशेंट में जेनेटिकली इंजीनियर लिम्फोसाइट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है, ठीक है। इसका परमानेंट ट्रीटमेंट के लिए एक ही उपाय ये है कि अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में ADA को इंट्रोड्यूस कर दिया सेल में तो इसे कम्प्लीटली और परमानेंट ट्रीटमेंट मिल सकती है, ठीक है। आगे चलते हैं, मॉलिकुलर डायग्नोसिस में की बात कर रहे हैं। कह रहा है बहुत सारी ऐसी डिजीज है जिनकी पैथोलॉजी अगर अर्ली डायग्नोसिस हमें करनी हो, ठीक है, तो उसमें आता है रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन और एंजाइम लिंक इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे या जिसे ELISA कहते हैं। ये सारी टेक्निक यूज की जाती है अर्ली डायग्नोसिस के लिए, ठीक है। जो PCR होता है इसे डिजेक्ट किया जाता है HIV एड्स पेशेंट में, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहे हैं सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA जो होता है इसे टैग किया जाता है एक रेडिएटिव मॉलिक्यूल के साथ और हाइब्रिडाइज किया जाता है टू इट कॉम्प्लीमेंट्री DNA एक क्लोन में फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी के साथ। जो क्लोन होता है हैविंग द म्यूटेटेड जीन विल हेंस नॉट अपीयर ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, ठीक, म्यूटेटेड जीन फोटोग्राफिक फिल्म में नहीं दिखाई देता है बिकॉज द प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंटेरिटी विद द म्यूटेटेड जीन। जो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल होता है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हो पाती है, इस वजह से म्यूटेटेड जीन के साथ वो शो नहीं करता है, अपीयर नहीं होता है फोटोग्राफिक फिल्म। आगे चलने के लिए ELISA जो होता है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन का प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में बता रहा है।
कह रहा है बहुत सारे एनिमल का जिनका यूज़ किया जाता है डीएनए मैनिपुलेशन प्रोसेस एक्सप्रेस कहते हैं फॉरेन जीन के लिए इनको कहा जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल में रैट्स रैबिट पिग शिप काओ फिश बहुत सारे को यूज़ किया जा चुका है। बट 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल होते हैं उसमें माइस होता है, ठीक है। इनमें बहुत सारे स्टेप होते हैं जो एक्सप्लोर किया जाता है, जैसे पहले चेक की जाती है उसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी और डेवलपमेंट कैसा है, कैसे जीन रेगुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देता है स्टडी ऑफ डिजीज़, हम देखते हैं कि डिजीज़ का क्या पैटर्न है, क्या शो कर रहा है, उसके सिम्टम्स वगैरह कैसे हैं, ठीक। उसके बाद बायोलॉजिकल प्रोडक्ट जो होता है ट्रीटमेंट के लिए डिजीज़ के, उसको ट्रांसजेनिक एनिमल पे ट्राई किया जाता है, ठीक, और देखा जाता है कि क्या वो अपना रिजल्ट शो कर रहा है। तो जो ह्यूमन प्रोटीन होता है अल्फा वन एंटी ट्रिप्सिन जिसका यूज़ किया जाता है इम्फाइसेमा के ट्रीटमेंट में, ठीक, ऐसे बहुत सारे यूज़ किए जा चुके हैं प्रोडक्ट, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट ट्रीटमेंट के लिए फिनाइलकेटोन्यूरिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए, ठीक। 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ रोजी जो थी उन्होंने प्रोड्यूस किया था ह्यूमन प्रोटीन इनरिच्ड मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर, और इसमें कंटेंट था अल्फा लैक्ट एल्बुलिन जो न्यूट्रिशनली मोर बैलेंस प्रोडक्ट होता है ह्यूमन बेबी के लिए देन नेचुरल काउ मिल्क के कंपेयर में, ठीक है। उसके बाद वैक्सीन की सेफ्टी की जाती है, केमिकल सेफ्टी टेस्ट भी किया जाता है और फिर मार्केटिंग उसकी की जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा एथिकल इशू, ठीक, कह रहा है मैनिपुलेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय ह्यूमन रेस कैन नॉट गो एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन, बगैर किसी रेगुलेशन के हम एक जो लिमिट है उसको नहीं क्रॉस किया जा सकता, कुछ एथिकल स्टैंडर्ड रिक्वायर्ड होते हैं, इवेलुएट मोर मोरालिटी ऑफ ऑल द ह्यूमन एक्टिविटी दैट माइट हेल्प और हार्म लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया जिसका नाम दिया गया जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, जो देखेगी वैलिडिटी ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड रिसोर्सेज, सेफ्टी है इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म फॉर पब्लिक सर्विस के लिए, सारे इससे रिलेटेड चीज़ों को इस कमेटी के अंदर डिस्कस किया जाएगा और डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारे इसमें कह रहा है कि जो राइस है इसकी 200,000 वैरायटी पाई जाती है इंडिया में अकेले, और जो बासमती राइस है अपने यूनिक एरोमा और फ्लेवर के लिए जानी जाती है, इसकी 27 डॉक्यूमेंटेड वैरायटी पाई जाती है बासमती की इंडिया में, ठीक। 1997 में अमेरिकन कंपनी ने पेटेंट करा लिया था बासमती राइस का थ्रू US पेटेंटेड ट्रेडमार्क बिल। इसमें क्या होता है कि जो पुरानी चीज़ को होता है नए, समझ लीजिए इसमें होता क्या है कि किसी की पुरानी चीज़ है उसको अच्छे से कपड़े पहना दिए या पैकिंग वैकिंग करके एक नया नाम दे दिया गया और फिर उसकी सेलिंग की करनी चालू कर दी गई कि भैया ये हमारा चीज़ है, हमने इसे कपड़े पहनाया है, नया ब्रांड दिया है, नया नाम दिया है, उसका प्रचार किया है, अब ये चीज़ हमारी हो गई, ठीक है। आगे चलते हैं बायो पायरेसी के बारे में, कह रहा है बायो रिसोर्स का यूज़ किया जाता है किसी मल्टीनेशनल कंपनी या किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन से किसी कंट्री या पीपल द्वारा, तो इसे बायो पायरेसी किया जाता है, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट में रिसेंटली क्लियर किया गया सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ इंडियन पेमेंट बिल जो ऐसे इशू को कंसिडर करती है, ठीक है। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है, थैंक यू सो मच।